मॉर्निंग एवरी वन आई एम गुंजन चौहान हाउ आर यू आई होप यू आर फाइंड टूडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ पोएर द क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे फर्स्ट वॉट मेक्स अग नॉइज क्या क्रिकिंग नॉइज शोर करता है मतलब किसका शोर रहता है क्रिकिंग नॉइस है ना बताना है हमको कैसे आता है क्रिकिंग नॉइस बॉन्स मेक अ क्रिकिंग नॉइस जो हमारी हड्डियाँ रहती है वो सुबह से बचती है ठीक है तो उनका जो साउंड रहता है वो क्रिकिंग नॉइज रहता है सेकेंड विच वर्ड इन द पोयम सजेस्ट डैट इट इज़ मॉर्निंग कविता में ऐसा कौन सा शब्द बताता है कि सुबह हो गई है कौन सा शब्द बताता है द वर्ड ब्रेकफास्ट सजेस्ट डैट इट इज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एक ऐसा वर्ड है जो सुबह का हम नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट है ना वो हमें बताता है कि हाँ मॉर्निंग हो गई है थर्ड वॉट आर द नाइबर्स डूइंग पड़ोसी जो हैं वो क्या कर रहे हैं द नाइबर्स आर सिंगिंग जो पड़ोसी है वो क्या कर रहे हैं सिंगिंग गाना गा रहे हैं ठीक है फोर्थ वॉट इज थ्रमिंग आउटसाइड वॉट इज मेकिंग द ड्रमिंग noise? बाहर क्या थ्रमिंग साउंड्स है? किसका है और क्या ड्रमिंग नॉइज करता है जो थ्रमिंग साउंड होता है ठीक है द थ्रमिंग आउटसाइड इज द नॉइज मेड बाय मोटर बाइक्स पावर डिल्स आर ड्रिल्स जो थ्रमिंग साउंड होता है वो किसका रहता है मोटर बाइक्स का रहता है सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होती है उनके इंजन आवाज करते हैं है ना पावर ड्रिल्स जो रहता है उनका साउंड कैसा रहता है रमिंग साउंड रहता है वॉट डज द पोएट वंडर अबाउट कवि वो क्या आश्चर्य करता है द पोएट वंडर्स अबाउट ऑल द noises ही हियर्स अराउंड him, जो आस पास की कितनी सारी आवाज़ें उसको सुबह सुबह से सुनाई देती है वो सब उसे आश्चर्य लगता है कि कितनी सारी आवाज़ें सुबह सुबह सुनाई देती है ना सिक्स वॉट इज़ द पोयम अबाउट ये पोयम जो है कविता वो किस बारे में है डू यू थिंक द पोएट इज़ अनाइट विद द नॉइज इज ही हियर्स इन द मॉर्निंग क्या आपको लगता है कि कवि सुबह की आवाज़ों से नाराज है यस आई थिंक द पोएट इज़ एनॉइड विद द नॉइज इज हियर्स इन द मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द नॉइज इज मैंशन इन द पोय आर लाउड एंड इरीटेटिंग मेड बाय मशीन्स एंड कार्स हिंस इट इरीटेट द पोएट हाँ पोयम को ये जो आवाज़ें हैं ये उसे इरीटेट कर देती है पूरी तरह बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है उसने जो है ये पोयम में भी बहुत सारी आवाज़ें हमें बताई है जो बहुत ज़्यादा लाउड होती है और इरीटेट करती है चिढ़ा देती है हमें है ना जो कार से आती है मशीनों से आती है है ना तो ये सब आवाज़ें जो है वो पोएट को कवि जो है उसको क्या करती है इरीटेट कर दिया है उसने है ना ठीक है एक्टिविटी साउंड वर्ड्स रीड दिज लाइन्स फ्रॉम द पोयम ये पोयम की आपको कुछ लाइन्स दे रखी है रस्ट लिंक शीट्स कॉफी कप क्लेटर्स द वर्ड इन द बोल्ड आर सिमिलर टू द एक्चुअल साउंड मेड बाय द ऑब्जेक्ट दे गया है साउंड एक्चुअल जो ये बोल्ड लेटर में हमें दिया हुआ है रस्ट लिंक क्लैटर ये उनके एक्चुअल साउंड के जैसे मतलब लिखा गया है एक्चुअल साउंड जो रहता है ऑब्जेक्ट का ठीक है उसको डिस्क्राइब किया गया है वर्ड्स the जो प्रोनाउंसिएशन होता है इन वर्ड्स का ठीक है वो सिमिलर होता है उनके साउंड्स के जैसा ठीक है तो इनको क्या बोलते हैं साउंड वर्ड्स बोलते हैं ठीक है ठीके? यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है आपको ये पिक्चर्स दिख रही है लुक एट दिस पिक्चर्स फाइंड द साउंड मेड बाय ईच ऑफ दिस इन द वर्ड ग्रेड आपको इनके साउंड फाइंड करना है और ये वर्ड ग्रेड जो है उसे कंप्लीट करना ओके थैंक यू